ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक हमारा चला हुआ था। इसमें हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में जो है वो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है और क्यों जो है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्यों करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। और दूसरा था इसके अगेंस्ट में कि कुछ पॉइंट्स क्रिटिसिज्म में थे कि ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, या कुछ इसमें जो है उसके पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। देन अब आज जो हमने पढ़ना है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जैसे आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में मैंने दिखाया था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाना है। तो वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाने के लिए क्या है कि हमें जो है हमारे जो स्टॉक के प्राइजेज हैं उनको बढ़ाना पड़ता है, हमारे जो स्टॉक है उसका करंट प्राइस हमें बढ़ाना पड़ता है ताकि शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि शेयर होल्डर्स की नेटवर्थ को बढ़ाना है, और उस नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए क्या है कि हमें जो है वो शेयर के करंट प्राइजेस को इंक्रीज करना पड़ता है। तो करंट प्राइस को इंक्रीज करने का मतलब कि प्राइजेस तभी इंक्रीज होते हैं जब शेयर होल्डर्स को लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए प्रॉफिटेबल है, और वो प्रॉफिटेबल है दैट मीन्स कि वहां पर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखता है, ना कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखता है कि इन शॉर्ट टर्म जो है वो आपके प्रॉफिट्स में क्या फायदा कम ज्यादा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है वो शेयर होल्डर्स की वर्थ को बढ़ाया जाता है कि इन फ्यूचर शेयर होल्डर्स को लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए सही है। तो इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स हैं, इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ फंड प्रोवाइडर्स, फंड प्रोवाइडर्स कौन है, जिन्होंने आपको फंड्स प्रोवाइड किए हैं, पैसा दिया है, जिन्होंने बिजनेस में फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, चाहे वो आपके शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लोन्स प्रोवाइड किए हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो डेट कैपिटल दी है, या किसी ने जो है ऑनर्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया है, वो दोनों लोग जो है वो फंड प्रोवाइडर्स आते हैं। तो उनका इंटरेस्ट जो है वो सेव हो जाता है इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि इसमें हमारी जो कंसिडरेशन है दैट इज फॉर लॉन्ग रन, की हम जो है वो लॉन्ग रन में सोच के चलते हैं कि हमने शेयर के मार्केट प्राइसेस को इंक्रीज करना है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स इन्वेस्ट किए होते हैं, वो लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका जो ऑब्जेक्टिव है ये लॉन्ग टर्म है, और उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सर्व करने के लिए जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो बेस्ट है। ये कहते हैं कि इसमें कहने का मतलब कि सर्व द इंटरेस्ट ऑफ फंड प्रोवाइडर्स, की जो भी फंड प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है, क्योंकि उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब हमने शेयर्स के मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं दैट मींस की कंपनी की फर्म की वैल्यू बढ़ती है, और लोग जो है ऐसी फर्म में जहां पर जिसके शेयर के प्राइसेस ज्यादा हैं दैट मींस जिसकी वैल्यू ज्यादा है वहां पर लोग जो है उसकी शेयर कैपिटल में तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है ही, वो साथ साथ उसके जो है वो उसको डेट कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए भी जो है वो रेडी रहते हैं, कि जो उधार का पैसा भी देने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फर्म की जो लॉन्ग टर्म जो पर्सपेक्टिव है वो एक प्रॉफिटेबल पर्सपेक्टिव है। सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी प्रोटेक्टेड बाय एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैंने पिछले भी पॉइंट में था हमारे पास कि जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एक सोसाइटी का हिस्सा है, और सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे तभी आप जो है वो शेयर के प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। तो और शेयर के प्राइसेस अगर बढ़ाने हैं तो हमें जो है वो सोसाइटी से जो भी रिसोर्सेज मिले उनका जो है एफिशिएंट यूज करना होता है, तो उससे जो है सोसाइटी को फायदा मिल जाता है कि उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी कोई वेस्टेज नहीं होती, और कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जो है वो मिलती है, और सोसाइटी को भी उसका फायदा मिलता है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो भी लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जो भी डिसीजन हमने लेना है वो देखना है कि उसमें कॉस्ट कितनी है और उससे हमें कितना बेनिफिट होने वाला है। तो इन ये नहीं कि हमने लास्ट टाइम ऐसा किया था तो इस बार भी जो है हमने उसी तरह से जो है अपने डिसीजन को लेना है, तो हमें जो है वो कॉस्ट को और
कॉस्ट को, मतलब कि वो जो अगर हमने काम करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें देखना है कि उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो उस कॉस्ट को इनकर करने के लिए, करने के बाद हमें जो है वो देखना है कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा। और बिजनेस में हमें हमेशा यही देखना है कि हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो और कॉस्ट कम हो, तभी हम जो है वो अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो हर एक डिसीजन उसके पीछे जो है वो एक बेस है जिसका नाम है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों चीजों को कंपेयर किया जाता है। अगर बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तभी हम उसे फाइनेंसिंग फाइनेंशियल डिसीजन को इंप्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज उस डिसीजन को ड्रॉप आउट कर जाता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट इज लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। इसमें जो है वो फंड प्रोवाइडर्स का इंटरेस्ट सेव होता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, और हर एक डिसीजन जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है वो उसका बेनिफिट को देखने के बाद, उसके कॉस्ट को कंपेयर करने के बाद ही, कि अगर बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तभी उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाया जा सकता है, फर्म की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है। और अब पॉइंट है इसके क्रिटिसिज्म के लिए, कि कुछ जो है पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को जो है वो फेवर नहीं करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इट इज़ नॉट सोशली डिजायरेबल, कि सोशली डिजायरेबल नहीं है कि हम जो है वो उसकी शेयर के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, हम कई बार जो है वो सोसाइटी को जो है वो ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन द सेंस कि हो सकता है कि हम जो है वो अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको पे नहीं कर रहे हैं, या फिर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स जो है उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम जो है वो ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी शेयर के प्राइजेस को बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, हम हो सकता है कि और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते हैं, या रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ नॉट सोशली डिजायरेबल। देन सेकेंड है आपका कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म एंड स्टॉक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर्स जिनके पास सिक्योरिटीज हैं कंपनी की, उनके इंटरेस्ट में और फर्म के इंटरेस्ट में जो है वो कई बार कंट्रोवर्सी हो जाती है। कंट्रोवर्सी मतलब कि फर्म के अपने इंटरेस्ट हैं, फर्म के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, और स्टॉक होल्डर्स के लिए अलग। स्टॉक होल्डर्स का मतलब कि जिन्होंने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अपने बेनिफिट के लिए सोचते हैं, और फर्म को एज अ होल उनको देखना है कि हमें जो है वो किस चीज़ से फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में फर्म को किस चीज़ से फायदा होगा, और स्टॉक होल्डर्स वो देख रहे हैं कि हमारे शेयर के प्राइसेस को जो है हमारे शेयर्स में, हमारे शेयर्स की वैल्यू में क्या इंक्रीज होने वाला है। तो कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जिसमें जो है वो दोनों लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। देन थर्ड पॉइंट है आपका कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टॉक होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। अच्छा, अब मैनेजमेंट की बात क्या आ गई यहाँ पर। मैनेजमेंट का मतलब है कि कई बार क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती हैं, तो उन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो है वो कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि स्टॉक होल्डर जो कंपनी के असली मालिक हैं, और जो उसको मैनेज करने के लिए जिनको पावर दी गई है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, उन दोनों के इंटरेस्ट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। मैनेजर्स या मैनेजमेंट जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है कि कैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है और हमारा फायदा किस चीज में है, बट स्टॉक होल्डर्स क्या चाहते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट की बात सोचते हैं कि हमारे शेयर के प्राइसेस कैसे बढ़ेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज होगी। तो उसमें भी कई बार उन दोनों के इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और ये पॉइंट जो आपका नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि अगर इस अप्रोच को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली अप्रोच के साथ, तो आपको देखने से पता चलेगा कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जो अप्रोच है, ये हमें जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप के। प्रॉफिट एक सिंपल टर्म है जिसको कोई भी आसानी से समझ सकता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हाँ जी ठीक है कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, हमने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। बट दूसरी तरफ जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये एक कॉमन मैन के लिए जो है वो समझना मुश्किल हो जाता है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। कि हमने जो है वो शेयर के प्राइसेस बढ़ाने हैं, तो उसका क्या मतलब है कि शेयर के प्राइसेस क्या है, करंट स्टॉक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। देन नेक्स्ट जो हमारा है, इट इज़ नॉट डिस्क्रिप्टिव। नॉट डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट फर्म्स एक्चुअली डू, कि एक्चुअल में फर्म को करना क्या है जिससे वो जो है शेयर्स के करंट स्टॉक प्राइसेस को या स्टॉक के प्राइसेस को बढ़ा सकती है। उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं बताई गई है कि
कैसे जो है फर्म को एक्चुअली अपने जो है वो शेयर के स्टॉक्स के प्राइसेस को इंक्रीज करना है। जस्ट ये कहा गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप जो है वो स्टॉक के प्राइसेस को बढ़ाएं, आपकी कोशिश हो कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाया जाए। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाना है, दैट मीन्स स्टॉक प्राइजेस को इंक्रीज करना है। बट वो स्टॉक प्राइजेस कैसे इंक्रीज किए जाएंगे, उनको प्रॉफिट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके किए जाएंगे या प्रॉफिट को बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट करके किए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर जो है वो कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में नहीं बताया गया। कोई भी डिस्क्रिप्शन इस अप्रोच में नहीं दिया गया इस ऑब्जेक्टिव के बारे में कि एक्चुअल में फर्म को क्या करना पड़ेगा जिससे जो है वो शेयर होल्डर्स की वर्थ को बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों पॉइंट्स आपने पढ़ लिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आते हैं तो इसमें आपने जो है वो सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, इसके फेवर के और अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट्स हैं, ऐसी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में आपने बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो है उसके फेवर में है, कौन से उसके अगेंस्ट में, यानी कि क्या उसको क्रिटिसाइज किया गया। तो दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बारे में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अगर एक्सप्लेन करने हैं तो सिर्फ दो ही के बारे में एक्सप्लेन करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, थैंक यू।